नमस्कार, खुरानास फोरम में आपका स्वागत है। अभिषेक बच्चन, यामी गौतम और निम्रत कौर अभिनीत दसवीं नेटफ्लिक्स और जियो सिनेमा पर स्ट्रीम हो रही है। जब इस फिल्म का प्रमोशन हुआ था तो लोगों को इस फिल्म से बहुत उम्मीद थी कि यह फिल्म कुछ कमाल करेगी। उसका कारण था, इस फिल्म की कहानी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। एक मुख्यमंत्री जो केवल 8वीं पास है, बहुत ही कॉमिक सिचुएशंस हो सकते थे क्योंकि इस फिल्म में हरियाणवी भाषा का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन 10वीं आखिर फेल क्यों हुई? उसका कारण है बहुत ही कमज़ोर डायरेक्शन और बहुत ही साधारण डायलॉग्स। इसके डायरेक्टर हैं तुषार जालोटा, जो भट्ट कैंप में एज एन एडी बहुत काम कर चुके हैं और संजय लीला भंसाली के भी असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में इन्होंने काम किया है। लेकिन एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक फिल्म जो बहुत ही सफल हो सकती थी उसको उन्होंने फेल करवा दिया। बहुत ही फेमस कवि कुमार विश्वास, उन्होंने ट्वीट किया था कि 10वीं के पटकथा और संवाद उनके द्वारा डॉक्टर्ड हैं, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा लिखा ही नहीं कि जिसका क्रेडिट वो ले सकें। उल्टा उनके बहुत ही एवरेज डायलॉग्स की वजह से यह फिल्म दर्शकों को उतना नहीं लुभा पा रही है। हरियाणवी भाषा तो ऐसी भाषा है कि आम बोलचाल में भी उस भाषा को सुनने में बहुत मज़ा आता है। उदाहरण के लिए अरुण जैमिनी की यह कुछ पंक्तियां सुनिए। एक आरोप हरियाणा के आदमी पे ये लगता है जी, हरियाणा का आदमी उल्टे जवाब देता है। देखो ये जवाब उल्टे नहीं देता, लोग सवाल उल्टे करते हैं। ये जितने पुरुष बैठे हैं सिख भाई को छोड़ के, महीने में एक बार ये सवाल सुनते ही होंगे, लेकिन ये जवाब हरियाणा का ही आदमी दे सकता है जी। वो बाल कटवाने के लिए पहुँचा तो बाल काटने वाले ने एक बड़ा सामान्य सा सवाल कर दिया, बोले बाल छोटे करने हैं? हरियाणा वाला बोला, बढ़ा भी सके है। भाई जो काम तेरे बस की नहीं हो पूछ क्यों रहा है तू? अभी जब मैं घर से चला मैंने पत्नी से कहा, मैंने कहा एक गिलास पानी पिला दे, बोली प्यास लग रही है। मैंने कहा ना, गला चेक करूंगा, लीक तो नहीं कर रहा। तो ये सवाल उल्टे हैं जी। अरे मैंने कहा ये सड़क रोहतक जाएगी क्या? बोले जी 30 साल हो गए, मैंने तो कहीं जाती दिखी ना। वो जवाब नहीं देगा आपको। आई मैं सोनीपत गया जी, मुझे एक पता ढूंढना था, गंदे नाले के पास कच्ची बस्ती। तो मैंने एक बुजुर्ग आदमी से पूछा, मैं कहा ताऊ जी ये गंदा नाला कहाँ है? बोले क्यों साफ करेगा? पूछ लो पता। अच्छा गंदा नाला तो मैंने सूंघते सूंघते ढूंढ लिया, और गंदे नाले का मुझे एक बस्ती भी दिखाई दे गई। तो मैंने एक बुजुर्ग महिला से पूछ लिया, माता जी कच्ची बस्ती यही है? बोली दीवार में सिर मार के देख ले। तो कुल मिलाकर 10वीं एक बहुत ही सफल फिल्म बन सकती थी, एक बहुत ही साफ सुथरा टॉपिक था, कहानी थी, लेकिन डायरेक्टर तुषार जालोटा और कविवर कुमार विश्वास इस फिल्म के साथ न्याय नहीं कर पाए और 10वीं को अभिषेक बच्चन, यामी गौतम और निम्रत कौर की अच्छी एक्टिंग के बाद भी फेल होना पड़ा।